हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी M30 के साथ। तो आ गए आपका भाई, किसी छोटा भाई तो किसी का बड़ा भाई, द फोन वाला, फोन का अनबॉक्सिंग एंड फोन का रिव्यू लेके। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 की डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.2 इंच का IPS फुल HD डिस्प्ले विथ नॉच के साथ में आता है। और अगर सैमसंग गैलेक्सी M30 डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.4 इंच का सुपर एमोलेड फुल HD इन्फिनिटी यू डिस्प्ले के साथ में आता है। डिस्प्ले के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M30 को मैं थम्सअप वो जीत चुका है। और कैमरे की बात की जाए तो आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 में 12+5 का रियर कैमरा विथ LED फ्लैश के साथ में आता है। और फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है विथ LED फ्लैश के साथ, एंड नोटिफिकेशन साथ भी आता है। और सैमसंग गैलेक्सी M30 के कैमरे की बात की जाए तो रियर में ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट है। जी हाँ, ट्रिपल कैमरा 13+5+5 का विथ LED फ्लैश। एंड फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विथ स्क्रीन फ्लैश के साथ में आता है। कैमरे के मामले में भी आसूस हार चुका है सैमसंग गैलेक्सी M30 से। दोनों में डेडिकेटेड स्लॉट के साथ आता है। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात की जाए तो आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 में गोरिल्ला ग्लास 6 का सपोर्ट मिलता है और सैमसंग गैलेक्सी M30 में ड्रैगन टेल का ग्लास मिलता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो दोनों में आपको आउट ऑफ द बॉक्स ओरियो मिल जाता है। और सेंसर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सभी सेंसर दोनों में मिल जाते हैं। प्रोसेसर की बात की जाए तो आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर मिलता है जो कि 1.95 GHz पे क्लॉक्ड है। और सैमसंग गैलेक्सी M30 में बात की जाए प्रोसेसर की तो एक्जीनोस का 7904 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है जो कि 1.8 GHz पे क्लॉक्ड है। प्रोसेसर के हिसाब से आसूस कहीं ना कहीं बाजी मार चुका है, तक क्योंकि प्रोसेसर आसूस का बेटर है कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी M30 के। और अगर बैटरी की बात की जाए तो आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 में 5000 mAh की बैटरी है। और सैमसंग गैलेक्सी M30 की बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी प्लस क्विक चार्ज विथ टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। तो मेरा ओपिनियन इस दोनों फोन में कौन सा फोन बेटर है, तो मेरे हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी M30 बेटर है, क्योंकि बेटर स्क्रीन मिलता है आपको सुपर एमोलेड के साथ, बेटर कैमरा मिलता है आपको ट्रिपल कैमरा सपोर्ट के साथ, एंड फ्रंट में 16 मेगापिक्सल कैमरा। और बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी विथ क्विक चार्ज एंड टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। और प्रोसेसर के हिसाब से बात करें तो थोड़ा 19-20 का फर्क है, क्योंकि एक्जिनोस का 7904 प्रोसेसर आपका इक्वल टू है स्नैपड्रैगन का 636 का। तो अगर जो भाई हैवी गेमिंग करना चाहते हैं वो स्नैपड्रैगन 660 के साथ जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वो करेंगे तो उनको आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 से बेटर ऑप्शन मिल सकता है सैमसंग गैलेक्सी M30। हमने बता दिया इसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट है, तो सैमसंग गैलेक्सी M30 को मेरा थम्सअप है। ये था वीडियो द फोन वाले भाई की तरफ से। आप बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका भाई आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके। थैंक यू।